घूर क्या रही हो? खाना खाओ ना। अरे क्या है ये, वहां पे लड़का सिगरेट पी रही है और यहाँ तो क्या, यहाँ पे सब चलता है क्या? और शराब वो भी? अब शराब का मुझे क्या पता, मैं थोड़ी शराब पीती हूँ कि मुझे पता चले कि सब लोग शराब पीते हैं या नहीं। अच्छा जीजी ये बताओ, तुम अकेली कैसे आई? अरे तुम्हारे जीजा जी मुझे कभी अकेले छोड़ते हैं? वो नन्नो के लिए लड़का देखने आए हैं, मैं भी उनके साथ आ गई। शाम की गाड़ी से वापस जा रहे हैं, सोचा थोड़ी देर तुम्हारे साथ अकेले में बात करूं। जीजी पहन लो ना, ये देखो ये पहन, पहन लो अभी पहन जी जी, ये पहन लो। मैं कह रही हूँ पहन लो ना, इतनी सुंदर शर्म आ रही है मुझे। मैं पहनाऊँ? अगर अम्मा दादा ने देख लिया तो वो क्या कहेंगे? चल कर मुई। अरे पहले उल्लू बना के पहनाती फिर खुद हंसती है। सिल्विर ये सब तो ठीक है, पहले तुम ये बता तुमने बड़े भैया से क्या कहा था? वो तो गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। उन्होंने अम्मा से कहा छोटी बहन के मुंह से ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। आखिर तुमने कहा क्या था? कुछ नहीं जीजी, मैंने सिर्फ ये कह दिया कि आई एम इन लव। तुमने बड़े भैया के सामने लव शब्द का प्रयोग किया? फिर बहन अब भी समय है, अपना जीवन संवार लो। वही तो कोशिश कर रही। मतलब 2 महीने बाद जब ये मुआ कोर्स खत्म हो जाएगा तो तुम घर वापस आ जाएगी? नहीं जीजी, इसके बाद मेरा घर होगा ड्रामा स्कूल का रिपर्टरी कंपनी। हियर आई कॉल जानकी जयरमन। वेल डन जानकी। नेक्स्ट गजानन। You done well, Gajanan. Vartika Desai. Well done, Vartika. Next, Raksha David. Good luck, Raksha. Thank you, sir. Next, Rita Sahani. The very best, Rita. Thank you. The gold medalist, Varsha Vashisht. Varsha, we are proud of you. I think generally the performance has been quite satisfactory, but I feel it should have been better.
Varsha, I think we're all very proud of you. Thank you, sir. नमस्ते. जी नमस्ते. अखबार में आपका एडवर्टाइजमेंट देखा था. मैं आपका कमरा किराए से लेना चाहती हूँ. आप यहाँ अकेली रहेंगी? जी. यहाँ पर मर्द मिलने को नहीं आ सकते हैं. शाम को कितने बजे लौटेंगे? जी 8:30-9 बजे तक आ जाऊंगी. पर अगर मेरा शो हुआ या मैं किसी दिन प्ले देखने गई तो शायद 11 बज जाएंगे. मैं घड़ी देख के ठीक 9:30 बजे घर का दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ. जी मेरी नौकरी कुछ ऐसी है इसलिए देर हो जाती है. सॉरी, फिर मैं अपना घर नहीं दे सकूँगी. तुम अकेले रहोगी? जी. तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड भी तुमसे मिलने आया करेंगे? जी नहीं, पर मुझे शायद कभी रात में देर हो जाएगी. जी नहीं, देखिए मुझे अपना घर किराए पे नहीं देना है और मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ. हर्ष, इतनी बुरी सिचुएशन है कि मैं क्या बताऊँ. मुझे मंडे से रिपर्टरी ज्वाइन करनी है और ये जगह भी खाली करनी है. तो फिर इसमें बुरी सिचुएशन कहाँ से? बुरी सिचुएशन नहीं है तो फिर क्या है? अगर जगह नहीं मिली ना तो फिर राज बब्बर की तरह मुझे साइकिल स्टैंड पर रात बितानी पड़ेगी. वर्षा, तुम्हें यकीन है कि अटल जी तुम्हें कमरे का एक्सटेंशन ही देंगे? अरे नहीं भाई, मंडे से स्कूल शुरू हो रहा है. बेचारी फर्स्ट ईयर की लड़कियां अभी अभी आई हैं, वो कहाँ रहेंगी? ये तो सोचने वाली बात. हाँ. अच्छा वर्षा, तुम्हें किस तरह का कमरा चाहिए? शांत भी हो पर बस स्टॉप और बाजार से दूर भी ना. अच्छा, किराया कितना दे सकती हो? देखो हर्ष, रिपर्ट्री कंपनी से मुझे 1200 की तनख्वाह मिलती है. 150 से ज्यादा नहीं दे पाऊंगी. तुम एक काम करो, न्यूज़पेपर में इश्तिहार दे दो, गोल्ड मेडलिस्ट एक्ट्रेस को कमरा चाहिए. हो सकता है कोई गरीब जरूरतमंद मकान मालिक तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर आ जाए. हाँ हाँ, कर लो मजाक. सब लोग मजाक ही तो करें, तो फिर तुम क्यों छोड़ दोगे? ये क्या है? खुद देख लो. नानक कुटीर, कमला मार्केट, मेन चौक के पीछे. ये किसका एड्रेस है? तुम्हारा हो सकता है अगर तुम चाहो तो. दिव्या, ये लो चाय. थैंक यू. इज एनीबॉडी होम? हेलो हर्ष, आओ ना. हर्ष, दिस इज दिव्या. हेलो दिव्या, दिस इज हर्ष. ज़े नसीब, तो फाइनली आपके दीदार हुए. बैठो ना. बैठो. थैंक यू. तो कीर्ति जी, बायरन जी और शैली जी पर आपकी थीसिस पूरी हो गई? शी इज डॉक्टर दिव्या, PhD. Oh, congratulations, this is fabulous. Thank you. Housewarming के हिसाब से तो आज खाना घर में ही बनना चाहिए. वर्षा को तो आलू पूरी बहुत पसंद है. ये लो. What about you, Harsh? Harsh को भी बहुत पसंद है. चाय ले आऊं? नहीं, thank you. हाँ, पसंद तो है लेकिन unfortunately मुझे अपने घर वालों के साथ कहीं जाना है.
और दो बेस्ट फ्रेंड्स के बीच हड्डी भी नहीं बनना चाहते हो, करेक्ट? करेक्ट। अच्छा देखा कैसे रोहन जैसी बातें कर रहा है। मैं चलता हूँ। Men seldom differ, हाँ? वर्षा सर इतना ना? जब आपकी दीजा चली जाए ना, तब जरा मुझसे आकर मिलना। कैसा लगा? समझदार है, अपने बैकग्राउंड को साथ लेकर नहीं चलता। दिव्या, क्या सोच रही हो? हम साथ साथ हो और मैं चुप रहूं तो अब भी तुम्हें अकेला लगता है? हाँ बहुत अकेला लगता है। मैं क्या सोच रही थी? मैं सोच रही थी वो बहुत पुराने वक्त के बारे में, शाहजहांपुर मिश्रीलाल डिग्री कॉलेज के गलियारे में सुबह का वक्त। एक दुबली पतली लड़की चोटी में लाल रिबन बांधे हुए मेरे सामने खड़ी थी। मैंने उससे पूछा, वर्षा कॉलेज प्ले में अपना नाम नहीं दिया? तो वो कहती है, जी मैं तो क्या हूं? तुम जानती हो वो क्या जवाब देती है? नहीं तो क्या जवाब देती हो? मैडम मैं बिल्कुल अनाड़ी हूं, मैंने प्ले में कभी काम नहीं किया। और मेरे आंखों के सामने से एग्जिट हो जाती है। वर्षा स्टैंड अप, टर्न राइट, बॉडीली, यस एंड फील द इमोशन। क्या अब रोल्स रिवर्स हो गए हैं? आई एम रियली सैटिस्फाइड नाउ, अब तुम वर्किंग वुमन कहलाओगी, तुम्हारा अपना घर है, ब्रिलियंट एक्ट्रेस मानी जा रही हो और पर्सनल फ्रंट में हर्षवर्धन के रूप में इमोशनल एंकर भी है। आई एम ट्रूली सैटिस्फाइड। दिव्या मंडे से रिपर्टरी कंपनी ज्वाइन करनी है, मेरे हर इंपॉर्टेंट पल में तुम मेरे साथ रहती हो, इस विराट शहर में मेरा अपना एड्रेस है, तुम हो। अगर तुम मुझे नहीं मिलती तो मेरा क्या होता? वेलकम टू द नेशनल रेपर्टरी। अब आप देश के उन गिने चुने कलाकारों में से हैं जिन्हें हर महीने एक्टिंग करने के लिए सैलरी मिलेगी। ये खुश नसीबी आप लोगों को बहुत जिम्मेदारी से निभानी होगी। अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाइए, अपनी कला के राष्ट्रीय स्तर को मजबूत बनाइए और कंपनी के स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन का पालन कीजिए। आप लोगों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं। हाँ रेपर्टी के सीनियर आर्टिस्ट और कैजुअल आर्टिस्ट से आप लोगों का इंट्रोडक्शन मैं लंच के बाद करवाऊंगा। सो वेलकम वंस अगेन वर्षा वशिष्ठ। थैंक यू सर। जानकी जयरामन। थैंक यू सर। वर्तिका देसाई। थैंक यू सर। केवल होली होली। थैंक यू जी। रक्षा। थैंक यू सर। कल्याणी। थैंक यू सर। गजानन। धन्यवाद सर। रीता। Cheers! रीटा गुड न्यूज, नए प्ले में डबल कास्टिंग नहीं हुई है, मालूम है तुम मेन लीड कर रही हो। रीटा रीटा तुम्हें क्या हो गया? रीटा
रीटा, कुछ बोलती क्यों नहीं तुम? वही जो शादी के बाद होता है। I don't believe it. लेकिन तुम्हारी शादी तो अभी हुई है ना? ओवर कॉन्फिडेंस में मारी गई वर्षा। तू पगली, इसमें रोने की क्या बात है? चलो डॉक्टर के पास चलो। लेकिन सुकुमार तो खुशी से पागल हुए जा रहा है। तुमने सुकुमार को बोला नहीं कि तुम सिर्फ बीवी नहीं हो, तुम्हारी अपनी भी जरूरतें हैं, तुम्हारी अपनी भी एम्बिशंस हैं। अच्छा, I can feel it, वर्षा। उसकी टूटली बोली मेरे कानों में मुझे अभी से सुनाई दे रही है। मम्मा, मम्मा, वर्षा, ग्रेट एक्ट्रेस बनने के लिए मैं मर्डर तक कर सकती हूँ, but not my little baby. Please, वर्षा, मैं क्या करूँ? मैं पूरी तरह फंस गई हूँ। आओ री, बैठो। कैसी तबीयत है तुम्हारी? सर अब ठीक है, पर जल्दी ही। लुक रीटा, लिसन टू मी। सर्दी में तुम डिलीवरी के लिए छुट्टी लोगे, तभी हम 6 नए पुराने प्रोडक्शन के साथ टूर पर निकलेंगे। इस बीच रेपर्टी के रिपीट शोज भी होंगे। ऐसे हालत में तुम्हारा ज्वाइन करना ठीक नहीं। सर मैं अगले सेशन में ज्वाइन कर सकती हूँ? श्योर, डेफिनेटली। एक साल ही की तो बात है, पलक झपकते ही बीत जाएगा। पर मैं एक साल कैसे काटूंगी? तुम्हें तो हर काम में जल्दी होती है, पहले शादी में और अब। अच्छा बाबा, माफ कर दो। ऐसी बात नहीं वर्षा, संसार का यही नियम, देर सबे तुम्हारी शादी भी होगी। और नहीं सर, मैं किसी और संसार का तसव्वुर करके बैठी हूँ। एकदम बकवास प्लान। और तुम्हें क्या हो गया? अरे रीटा रेपर्टरी ज्वाइन नहीं कर रही और दर्द तुम्हें हो रहा है। शी इज माय बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम ड्रामा स्कूल हर्ष। सुंदरी उसका ड्रीम रोल था। वो माँ बनने वाली है, बहुत खुश है। वो जितनी खुश है ना उतनी दुखी भी है। आई नो हर्ष, इट्स हर लाइफ, इट्स हर डिसीजन। वो उसका डिसीजन नहीं, सुकुमार का डिसीजन है। उसने मुझे रोते रोते सब कुछ बता दिया है। कितनी डिस्टर्ब्ड है बेचारी। देखो डिसीजन जिसने भी लिया है बहुत सही है। सुकुमार उसकी जिंदगी के हिस्से के बारे में डिसीजन नहीं ले सकता। एक्सक्यूज मी, ही इज हर हस्बैंड मिस वशिष्ठ। व्हाट डू यू मीन? वाइफ कोई राम जी की गाय होती है? लेकिन उसे इतनी ऊंचाई पर भी नहीं उड़ना चाहिए। अच्छा अब ऊंचाई की डेफिनेशन बता दो। तुम एकदम फेमिनिस्ट बनती जा रही हो। सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना और अपनी आइडेंटिटी मांगना अगर फेमिनिज्म है तो हाँ, मैं फेमिनिस्ट हूँ।